हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज के शेड्यूल में बात करने वाले हैं श्याम मेटलिक्स आईपीओ के अलॉटमेंट स्टेटस के बारे में। तो जैसे ही आपको पता, आज है 21 जून और आज इसका श्याम मेटलिक्स आईपीओ का आज अलॉटमेंट स्टेटस आने का डेट है। तो पहले मैं आपको डेट दिखा देता हूँ श्याम मेटलिक्स आईपीओ का डिटेल्स। तो आप देखेंगे यहाँ पर 21 जून का इसका अलॉटमेंट स्टेटस था। आप यहाँ पर देख सकते हैं बेसिस ऑफ अलॉटमेंट ऑन 21 जून। तो आज है 21 जून। तो सबसे पहले अपन इसका रजिस्टर चेक कर लेते हैं कि कौन इसका रजिस्टर है और कौन सी वेबसाइट पे आने वाला था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कैपिंग टेक पर इसका आईपीओ का रजिस्टर है इसका। और यूजुअली इसके अलावा एक और होता है लिंक इन टाइम, लेकिन इसमें कैपिंग टेक है। तो कैपिंग टेक की वेबसाइट पर इसका अलॉटमेंट स्टेटस आएगा। तो अपन चेक कर लेते कैपिंग टेक की वेबसाइट पर कि इसका स्टेटमेंट आया है नहीं आया अलॉटमेंट स्टेटस। तो अपन चलते हैं कैपिंग टेक की वेबसाइट पर। के फिनटेक आईपीओ सर्च करोगे तो इसकी वेबसाइट आ जाएगी और ये इसकी वेबसाइट आएगी के फिनटेक आईपीओ स्टेटस। तो अपन यहाँ चलेंगे लिंक फर्स्ट में। लिंक फर्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ देखोगे शो आल आईपीओ आ रहा है। यहाँ पर आपको अगर आल आईपीओ आईपीओ सिलेक्ट करोगे तो काफ़ी सारे आईपीओ आएंगे, आपको ढूंढने में थोड़ी दिक्कत होगी। इससे बेटर आपकी रिसेंट आईपीओ में जाएँ और रिसेंट आईपीओ में आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 4 आईपीओ आ रहे हैं, ये और 4 आईपीओ में श्याम मेटलिक्स का आईपीओ का भी कुछ स्टेटस आया नहीं यहाँ पर। इसका मतलब कि अभी इसका अलॉटमेंट स्टेटस यहाँ पर शो हो नहीं रहा है, हो सकता है ये शाम तक हो जाए। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कैपिनटेक की वेबसाइट पर। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। और आपको रिसेंट आईपीओ में जाकर यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अगर 4 आईपीओ के अलावा अगर श्याम मेटलिक्स का आता है उसको सिलेक्ट करके आपको फिर या तो अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है या फिर क्लाइंट आईडी डालना है या फिर पेन नंबर डाल के आपको कैप्चा डालना है। उसके बाद तुरंत आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। तो यही था इस वीडियो में। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आपका लिंक ये किम फिनटेक का मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो आपको वहाँ से आप जाकर चेक कर सकते हो डायरेक्टली। थैंक यू।